आज इस वीडियो में हम बात करने वाले दूषी विष नाम के एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसकी वजह से आजकल के क्रोनिक स्टबर्न या असाध्य विकार हम देखते हैं। पेशेंट को कहा जाता है इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, आपको इसके साथ ही जीना है, दिस विल बी विथ यू फॉर लाइफ लॉन्ग। कई बार ये सप्रेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है, पेशेंट को ये भी नहीं पता होता कि इसका रीजन क्या है। आयुर्वेदा में हर एक कॉज का एक इफेक्ट है और हर एक इफेक्ट का एक कॉज है। सो कई बार हम देखते हैं कि रीजंस ही नहीं पता और मेडिसिन ही नहीं है, जैसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया जैसे कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस, कई प्रकार के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, एलर्जिक कंडीशंस, मोर देन 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स अगर इमरजेंसी को हम छोड़ देते हैं तो ये पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ दूषी विष इट इज डेफिनेटली एप्लीकेबल। एक जगह पर अस्थमा को सप्रेस किया, स्किन कंडीशंस आगे दिखाई देती है। एक जगह पर स्किन कंडीशन को सप्रेस किया, अस्थमा जैसे कंडीशंस हमें दिखाई देते हैं। पोस्ट वैक्सीन हमने देखा है कि स्किन के कंडीशंस कितने ज्यादा बड़े हैं। हमने देखा है कि पूरा बॉडी के जो जॉइंट्स है वो पेन करने शुरू हुए, कुछ पेशेंट्स में तो व्हाइट स्पॉट्स दिखाई दिए हैं। लाइकेन प्लेनस के मैक्सिमम केसेस हम देखते हैं, हाइपरट्रोपिक लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस, सारे दाग धब्बे हैं, इचिंग नहीं है, तो करना क्या है? तो मेडिसिन ही नहीं है, कॉज भी नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दूषी विष ये आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। सबसे पहले जानते हैं दूषी विष का अर्थ क्या है। दूषी विष यानी एक ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस जो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जो किल की है, जिसे मारा गया है बाकी के पॉइजनस सब्सटेंसेस से, जो पार्शियली डिस्ट्रॉय किया गया है नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल चीजों से, जैसे सनलाइट से वो डिस्ट्रॉय किया है, या फायर, आग से वो डिस्ट्रॉय किया है, फॉरेस्ट से डिस्ट्रॉय किया है, या ब्रीज, हवा से उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस जो शरीर में जाने के बाद पॉइजन के सारे जो क्वालिटीज है बाय नेचर हमें दिखाई नहीं देते, उसे कहा है दूषी विष। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना हो तो इस दूषी विष के रिलेटेड हमें ज्यादा घबराना नहीं है, बिकॉज इसकी पोटेंसी काफी माइल्ड होती है, काफी माइल्ड पोटेंसी का होता है। सो डरना नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझ के अगर हम राइट प्रिंसिपल्स अप्लाई करें तो लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। कई कंडीशंस जैसे कि डेंगू मलेरिया के बाद आने वाले प्रॉब्लम्स, हम देखते हैं पेशेंट को पूरे जॉइंट में पेन है, सालों साल से जॉइंट पेन की ट्रीटमेंट चल रही है पर पेशेंट को कुछ रिलीफ नहीं मिला है, तो इसका रीजन क्या है? जब पेशेंट से बात किया जाता है तब पता चलता है पहला रीजन कि सालों साल के मेडिसिन जिसके वजह से बॉडी में एक टॉक्सिन्स, बॉडी में पॉइजन बन रहा है, ये फर्स्ट। सेकंड क्या है? तो कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ बात करने के बाद पता चलता है हिस्ट्री है चिकनगुनिया की, जो पॉजिटिव थी, दवाई ली, पेशेंट ठीक हुए, पर आज भी जॉइंट पेन है। सो रूट कॉज क्या है? चिकनगुनिया। तो फीवर की ट्रीटमेंट, चिकनगुनिया की ट्रीटमेंट अगर हम देते हैं, पेशेंट्स के रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। सिमिलरली मिसकैरेजेस या पीसीओडी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स अगर महिलाओं में हम देखते हैं तो कई बार हमें हिस्ट्री दिखाई देती है चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स जो स्कूल डेज, कॉलेज डेज में दिखाई देता है, अगर सही तरीके से वो ट्रीट नहीं किया गया हो, जो कुछ फीमेल्स में हम देखते हैं कि उसका जो इफेक्ट है वो अब भी शरीर में है, पित्त प्रकृति अब भी पेशेंट की है, रक्त पित्त के लक्षण है, पेशेंट के मन की स्थिति सही नहीं है, पित्त के लक्षण हमें हमेशा दिखते हैं, ऐसे कंडीशंस हिस्ट्री दिखाई दी है चिकन पॉक्स की। अगर हम परिपाठाड़ी, रजनी योग, महातिक्त ग्रुत, कहीं एंटीवायरल दवाई आजकल हम इस्तेमाल करते हैं जैसे टॉक्सोनिल, नीलो टॉर्च, भूमि आमला की, ऐसे एंटीवायरल दवाइयां जिसका दूर दूर से प्रेगनेंसी से या पीसीओडी से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे एंटीवायरल दवाइयां जब हम इस्तेमाल करते हैं मिसकैरेजेस पूरी तरह से आयुर्वेद में अवॉइड किए जाते हैं। पित्त प्रकृति, रक्त अशुद्धिकरण, ये हम रूट कॉज देखते हैं ऐसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के या महिलाओं के हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। सो ये कॉन्सेप्ट क्या है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दूषी विष एक्सप्लेन इन आयुर्वेद। एक तरह का विष जो शरीर में है और सालों साल तक ये रहता है कई पेशेंट्स में, जिसके वजह से आगे के आने वाले सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। पोस्ट वैक्सीन हमने देखा है 80% बाल चले गए हैं, बालों के कितने भी ट्रीटमेंट्स, कितने भी दवाई या पेशेंट्स लेते हैं उन्हें फायदा नहीं हो रहा। द ट्रीटमेंट ऑफ दूषी विष यानी दूषी विष हर चिकित्सा ये करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पॉइजन को निकालना भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे चीजें जहां पर बॉडी पर एक लोड दिया जा रहा है, बॉडी में दोष इंबैलेंस हो रहे हैं, इसमें कॉस्मेटिक भी इंक्लूड हो रहा है,
कहीं त्वचा विकार के पेशेंट, सोरियसिस हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर मॉइस्चराइजर कौन सा इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइजर में ट्राई इथेनोलोमाइन या डाई इथेनोलोमाइन होता है। सो ये मॉइस्चराइजर सबसे पहले तो तब तक के लिए स्किन को मॉइस्चराइज करने वाले, हाइड्रेट करने वाले हैं। दूर दूर तक रूट कॉज से इसका कोई रिलेशन नहीं, दैट्स द फर्स्ट। सेकंड, ऐसे कहा है कि ये इंग्रेडिएंट्स स्किन इरिटेंट्स होते हैं, हार्मफुल होते हैं, सो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जनरली आयुर्वेद में जो मेडिकेटेड ऑयल्स, मेडिकेटेड ग्रुतास दिए जाते हैं, वी एडवाइज द पेशेंट्स टू यूज देम एज अ मॉइस्चराइजर इटसेल्फ, ताकि पहला रक्त शुद्धिकरण हो, पित्त शरीर में कम हो, स्किन भी हाइड्रेट हो और हमें रिजल्ट भी मिले। सो कॉन्सेप्ट ऑफ दूषी विष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनगिनत प्रकार के विष शरीर में जा रहे हैं और उन विष को हम एड्रेस नहीं कर रहे, जिसके वजह से सालों साल तक प्रॉब्लम रह रहा है। पोस्ट डेंगू, पोस्ट मलेरिया, पोस्ट लॉन्ग टर्म फीवर, हम ये सारे सिम्टम्स देखते हैं कि 10 साल हो गए प्रॉब्लम को पर आज भी सिम्टम्स उसके दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, तब हमने दवा ली थी पर अभी तो उसका क्या रिलेशन? देयर इज अ रिलेशन। नाड़ी परीक्षा से, दर्शन स्पर्शन या प्रश्न से, जो कि त्रिवृत्त परीक्षा आयुर्वेद में बताई है, ऐसे टूल्स ऑफ एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि रूट कॉज क्या है। आजकल सभी स्किन के पेशेंट्स खदीर अरिष्ट ले रहे हैं, महामंजिष्टादि काढ़ा ले रहे हैं और पेशेंट्स का कहना है कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसका काम ही नहीं था। जैसे मैंने कहा, चाहे वो अस्थमा हो, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, हेयर लॉस, एक्जिमा या कोई भी क्रोनिक कंडीशन हो, कोई भी पुरानी बीमारी हो, कई बार वो प्रॉब्लम के लिए दवाई हमें लगती ही नहीं, चाहिए ही नहीं, उसका कुछ काम ही नहीं है। उसके रूट कॉज के लिए, यानी क्यों वो प्रॉब्लम हुआ है, उसकी दवा काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं अगत तंत्र के दवाइयां, जैसे चंपक आदि अगत, अजित अगत नाम के दवाइयां इस्तेमाल किए जाते हैं। कई दवाइयां, उनमें से एक है अष्टांग हृदय में से उत्तर स्थान 35 अध्याय में प्रतिषेध व्याख्यासम, इस चैप्टर में कई दवाइयां बताया, जैसे दूषी विषारी अगत। कई द्रव्य जैसे जटामौशी, एला, मुस्ता, ऐसे द्रव्य इस दूषी विषारी अगत में प्रेजेंट है। कॉस्मेटिक के वजह से जो इंबैलेंस हुआ है या स्किन कंडीशंस जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, सोरियसिस, एक्जिमा, जहां पर दूषी विष एक कॉज है, इस पर दूषी विषारी अगत या कहीं अगत तंत्र की दवाइयां, जैसे हमने कहा चंपक आदि अगत, अजीत अगत, कपर्दिक भस्म, ऐसे अनगिनत दूषी विषाहारी द्रव्य एक्सप्लेन किए हैं। और जब ये द्रव्य हम इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन फायदे हमें दिखाई देते हैं। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो, इंटरनेट पर लिख सकते हो दूषी विषाहार चिकित्सा या दूषी विष चिकित्सा या दूषी विष क्या है और क्यों ये बड़ा रीजन होता है कहीं असाध्य रोगों का। ये सारी जानकारी हमारे आचार्यों ने 5000 साल पहले हमारे लिए दी है। हेंस आयुर्वेद ही हमारा जीवन है। आयुर्वेद को हम पढ़ते हैं तो हमारे काफी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दिस वाज ऑल फॉर नाउ। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।